नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं लियो वालों का कैसा रहेगा। तो 2016, सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आने वाला वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे। आमतौर से सिंह राशि वाले काफ़ी विश्वासी होते हैं और प्रेम के मामले में बहुत आदर्श माने जाते हैं, किंतु कई बार गुस्से के कारण अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। अगर नौकरी की बात की जाए इस साल, तो प्राइवेट गवर्नमेंट में जो लोग कार्य कर रहे हैं, अभी जॉब कर रहे हैं, उन्हें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है और किसी के लालच में नहीं आना है। और अपने ऑफिस में बहुत ही डिसिप्लिन के साथ कार्य करना है। हो सकता है कुछ परिस्थितियां आपके साथ ऐसी बने कि लोग आपको बहकाने की कोशिश करें, तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। और अगर आप 15 मई से लेकर 11 अगस्त के बीच में कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यही टाइम आपका पुरानी जॉब में प्रमोशन का भी है। तो कुल मिला के 15 मई से लेकर 11 अगस्त तक का टाइम थोड़ा ठीक आपके लिए रहेगा। आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो 11 अगस्त तक आपकी स्थिति काफ़ी सही ठाक रहेगी। उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। रुका हुआ पैसा आपका वसूल होगा। अगस्त तक गुरु सिंह और के बाद कन्या राशि में जाएंगे, ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। तो पूरा साल अगर मैं देखूं तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापार की दृष्टि से ये साल ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अपने निर्णयों पे सोच समझ कर कार्य करें। किसी के प्रेशर में आके कोई निर्णय ना लें, और पार्टनरशिप करते समय या कोई कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपको सावधानी बरतने की सलाह मैं दूंगा। पूरे साल शनि की रहे के कारण सुख शनि में थोड़ी सी कठिनाई रहेगी, कार्य में बाधाएं आएंगी, कार्य लेट होगा। 3 दिन का काम हो सकता है कि 13 दिन में कंप्लीट हो, लेकिन उससे कोई आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी कार्य होंगे ये ठोस कार्य होंगे। लग्न में गुरु 11 अगस्त तक अपनी सातवीं दृष्टि से आपकी प्रेम हाउस पर दृष्टि के कारण प्रेम संबंध में सुधार आएगा, प्यार शादी में बदल सकता है। 11 अगस्त तक की डेट निकलती है तो संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति भी थोड़ी सी बनी रहेगी, लेकिन ये उतार चढ़ाव की स्थिति ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। अगर हम विद्यार्थी वर्ग के लिए बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये वर्ष थोड़ा सावधानी पूर्वक है। उनको सलाह देता हूँ कि अपने कार्य में बहुत ज़्यादा कार्य साथ में हार्डवर्क के साथ कार्य करें, नहीं तो अगर वो हार्डवर्क नहीं करते हैं और लापरवाही करते हैं तो उनको विपरीत रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। घर परिवार की तरफ से थोड़े अच्छा माहौल आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा औसत कहा जा सकता है। छोटे भाई बहनों का थोड़ा सहयोग मिलेगा, लेकिन अपने से बड़े माता पिता की थोड़ी सी नाराज़गी आपको इस साल झेलनी पड़ सकती है, लेकिन वो नाराज़गी बहुत देर तक रहेगी नहीं। और जो भाई बहन आपके अभी अनमैरिड हैं, उनकी शादी भी इस साल हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। माता का स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा रहेगा इस साल, उनको किसी मेडिकल एड की ज़रूरत इस साल पड़ सकती है। संतान का व्यवहार आपके प्रति काफ़ी अच्छा रहेगा, और भवन निर्माण आधा अधूरा जो रह सकता है रह रहा था वो आपका इस साल पूरा हो सकता है। नेबर से आपका थोड़ा मनमुटाव रह सकता है, और इस साल जो मनमोहन पल आप चाह रहे थे अपने व्यापार में और आपकी नौकरी में, जो प्रमोशंस और ट्रांसफर्स आप चाह रहे थे, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट अभी करना पड़ सकता है। हो सकता है आप जो चाह रहे थे वो आपको ना मिले, लेकिन आने वाले साल 2017 तक आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाह रहे थे। प्रेम प्रसंग आपके अच्छे चलेंगे। जो लोग अभी थोड़ी दूरियां जिनके बीच में बन गई थी, वो दूरियां इस साल में थोड़ी कम होंगी और वो लोग फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो थे, और वो आगे चलकर कन्वर्ट हो सकता है, उनका प्रेम विवाह या सहमति वाला विवाह उनका हो सके। मान सम्मान में इस साल थोड़ी वृद्धि होगी, उन्नति रहेगी, आर्थिक लाभ आपको मिलते रहेंगे, लेकिन सेविंग्स उतनी नहीं हो पाएंगी जितनी आपने सोची है कि मैं इस साल सेविंग्स जो है कर लूँगा, तो वो सेविंग्स इतनी आपकी नहीं हो पाएंगी। आपका शुभ रंग रहेगा रंग जो है गुलाबी, पीला, सुनहरा, लाल व केसरिया। जहाँ तक हो आप इन रंगों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इस वर्ष आपके भाग्यशाली अंक रहेंगे 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 27 और 30। और आपकी सहयोगी राशियाँ रहेंगी मेष, सिंह, धनु, मीन, वृश्चिक। सभी क्षेत्रों में आपके इन सात
आपके जो वृश्चिक राशि वालों के साथ जो आपका रहेगा वो काफ़ी अच्छा इस साल रहने वाला है। और अगर आपको बहुत सारे प्रयासों के बाद भी आपको उतना आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है, तो आप रात में काले कुत्ते को तेल से जुपड़ी हुई रोटी खिला सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। यदि दाम्पत्य जीवन में या लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप शनिवार के दिन घोड़े की नाल छत पर, अपने घर की छत पर लगा सकते हैं। और घर में अगर कोई फालतू का लोहा घर में पड़ा है तो उसे तत्काल हटा दें, इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं। आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, आप गायत्री माता की पूजा कर सकते हैं। तो ये था आपका एक छोटा सा अवलोकन इस साल का। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो bhatnagarravi2411@gmail.com, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411848508, और मेरी वेबसाइट आपके सामने है। जब भी आप हमसे कांटेक्ट करें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब कुछ हमें भेजें, और साथ में 6 पाम की पिक्स भेजें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो कुछ लोग हमसे दोनों तरीके से एनालिसिस करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी तीनों ही चीज़ें हम लोग करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो आया होगा। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।